8 महीने के लंबे इंतजार के बाद तिस्ता नदी में बरोले मछलियां लौट आई हैं। हालांकि इस बार इनकी संख्या कम है, लेकिन प्रत्येक वर्ष जब मानसून आता है तब काफी संख्या में बरोले मछलियां तिस्ता में आ जाती हैं और यह सर्दियों तक अच्छी संख्या में देखी जाती है। बरोली उत्तर बंगाल की सबसे लोकप्रिय मछलियों में से एक है। मूलतः तिस्ता में 3 से 4 महीने तक इस मछली की मात्रा अधिक होती है। मानसून की शुरुआत के साथ बरोली मछली की आवक बढ़ जाती है। इस मछली के स्वाद से न सिर्फ उत्तर बंगाल के लोग बल्कि यहां आने वाले बंगाली पर्यटक भी प्रभावित हैं। मछली खाने के शौक रखने वालों में ऐसा कम ही होंगे जो इस पूरे मानसून के दौरान कर बरोली मछली का स्वाद न चखना चाहते हों। इसीलिए तिस्ता की बरोली मछलियों की मांग हर साल अधिक बढ़ती जा रही है। इस साल जून में मानसून उत्तर बंगाल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि भारी बारिश और पहाड़ों से आ रहे कीचड़ युक्त घुला पानी के कारण तिस्ता का पानी घोला हो गया है। इसके कारण बरोली मछलियों की संख्या कम हो गई है। मछलियों की संख्या भले ही कम हो गई, लेकिन इसकी मांग और अधिक बढ़ गई है। स्वाभाविक रूप से बरोली मछली की कीमत आसमान छू रही है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि उत्तर बंगाल का चांदी की तरह चमकने वाली बरोली मछलियां लगभग 6 इंच लंबी हो सकती है। तिस्ता कांडला मुहाने में मछली पकड़ने आए हरनदास ने कहा कि पिछले साल सिक्किम में बाढ़ के दौरान पानी गंदा होने और गाद ज्यादा होने से तिस्ता में ज्यादातर मछलियां मर गई थी। कुछ लोगों ने सोचा कि बरोली मछली फिर कभी तिस्ता में नहीं मिलेंगी। यह मानसून लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ है। पिछले 1 महीने से तिस्ता का पानी लगातार बढ़ रहा है। अब जब पानी थोड़ा कम हो गया है तो बरोली फिर से हमारे जाल में फंस रही है। लेकिन अब पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण, गंदे पानी के कारण बरोली मछली का पेट पीला हो गया है। अगर पानी साफ है तो बरोली का पेट साफ हो जाएगा, लेकिन वह पूजा के बाद। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ज्योति बसु उत्तर बंगाल आए थे, तब उनकी बरोली प्रेम की कहानी समाचार पत्रों में छपी थी। उत्तरी बंगाल के तिस्ता, तोरसा आदि कुछ नदियों में बरोली मछलियां मिलती हैं। शहरों के बाजारों में 3-4 इंच आकार में यह उपलब्ध होती है, जिनकी कीमत 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। मछुआरों को उम्मीद है कि आने वाले समय में बरोली मछलियों की संख्या तिस्ता सहित अन्य नदियों में बढ़ेगी। আপনি কি রোজ দিন যান? রোজ দিনে যাই আমি। আমি মাসের মাসের বেশি ব্যবসা করি। মানে কোন বন্যা? ওই যে বন্যাটা হয়ে গেল, কিছুদিনের বন্যাটা হয়ে গেল, তারপরে তিস্তায় কি মাছ কমে গেছে? হ্যাঁ, তারপরে ওই যে বন্যাটার পরে একটা কাদা এসে গেছিল, জল তো নাই মনে করে কাদা, সব মাছ বগলে চাইপে সব মাছ মারা গেছে। মানে বরুলি তেমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না? না, বরুলি পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ দুই একটা পাওয়া যাচ্ছে। এখন জলটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে তো অল্প অল্প আসছে। কিভাবে চিনবো বরুলি? ওটা ওই যে হলুদ, পেট হলুদ, ওইটা চিনবে। এখন পেট হলুদ যখন মানে আশি জাতি ভাদরা ভাদরা হবে তখন পেট হলুদ হবে না, তখন সাদা হবে, জল পরিষ্কার হবে, তখন পেটটা সাদা হবে। আর এখন এখন কেন হলুদ? কেন এখন হলুদ হচ্ছে? জল ঘোলা, জল ঘোলা হলে পেট হলুদ। अब मात्र 4,999 रुपये डाउन पेमेंट देकर ले जा सकते हैं दो पहिया बाइक। यह सुविधा हासीमारा बजाज शोरूम में उपलब्ध है। हमारा पता है न्यू हासीमारा थाना गली के पास। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8918531091 या फिर 8918284870।